नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 3 कलरव पाठ 19 सुभाष चंद्र बोस। कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ये स्थान उड़ीसा राज्य के से आता है। उनके पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र में ही उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। बीए उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी के लिए इस समय की सबसे कठिन परीक्षा थी। भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि वे नौकरी नहीं करेंगे। उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आज़ाद कराने का प्रण लेते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। कभी भी ये प्रश्न पूछा जाता कि फॉरवर्ड दल की स्थापना किसने की, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आज़ाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। काउली पठान के भेष में पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुंचे। यहां से जर्मन और फिर जापान से वे बर्मा आए और उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका जय हिंद नारा बहुत प्रभावित हुआ। देशवासी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते हैं। तो ये था बच्चों आपका पाठ। उससे कुछ ये प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा के कटक। नेताजी ने नौकरी क्यों नहीं की, क्योंकि उस समय देश में अंग्रेज विरोधी और देशव्यापी आंदोलन चल रहा था। वो उसमें भाग लेना चाहते, देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद क्यों किया, क्योंकि वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते थे। तो ये था आपका पाठ। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जानकारियां आप तक पहुंचती रहें एक नए तरीके से, नए कलेवर में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन भी दबाएं और नीचे वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।